मुद्दे सब हावी हैं, लेकिन जनता को गुमराह करा जा रहा है। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, जाति बिरादरी के नाम पे राजनीति हो रही है। हमें रंग से भेदभाव नहीं है, भगवा है या वो है, सब रंग एक से हैं। है नहीं, ये सब चीज़ें बहुत जाहिल लोग करते हैं कि इससे परहेज करो, उससे परहेज करो, ये सब चीज़ें बेकार है। नफरतें इन्होंने पैदा कर दी हैं, हिंदू मुसलमान में और कोई बात नहीं है, लेकिन अगर निजी में आप जाके देखें फिर भी हम सब एक हैं। बट ये जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं है ना, सिर्फ वही हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्होंने हमें दी ला के बोले लो पहन लियो, तो लाओ हमने पहनने बस पहन ली दे दोगे जी। वोट अपना कांग्रेस को ही जावा जी। कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस आ गई तो आपकी बहनों के मंगलसूत्र बिकवा देंगे। सन 2014 में सोना 28,000 था, आप 74,000, तो मंगलसूत्र कौन बिकवाएगा, आप ये बताएं। रोजगार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से। अच्छा, हिंदू मुस्लिम और रोजगार, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा ज्यादा पंजे बोलेगा या साइकिल बोलेगी बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में बरेली लोकसभा आ चुके हैं, वही लोकसभा जहाँ 40 सालों से बीजेपी का कब्जा है। विजय रथ 2009 में रुका था, जब जो है कांग्रेस ने बीजेपी के हाथों से ये सीट छीन ली थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। छत्रपाल गंगवार बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार हैं और प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी के तरफ से। मुकाबला अब कैसा होगा, यहीं के लोगों से जानेंगे कि 2009 में जो मुकाबला बदल गया था क्या वैसा होगा, या फिर जो प्रथा चली आ रही है वैसा ही मुकाबला होने वाला है। क्या लग रहा है आप लोगों को? माहौल तो देखिए, स्वयं समाजवादी का बहुत अच्छा चल रहा है इधर। जो लोग हैं अब वो मुद्दों पे आ चुके हैं कि लोगों को कक्षा चाहिए, जो आपकी वो है, और लाइट से बहुत परेशान थे लोग, रोडों से, और ये जो आजकल मुद्दा चल रहा था इसका कि कई मुद्दे हैं जैसे, तो इस बार लोग समाजवादी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या मुद्दा चल रहा है? मुद्दा ये है बेरोजगारी का। 2,02,00,000 नौकरियों का वादा करा, वो भी नहीं मिली। बरेली में बेरोजगार आपको बहुत मिलेंगे रात में यहीं पर। क्या ये बेरोजगारों का अड्डा है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये बेरोजगारों का अड्डा बन चुका है? हाँ, 10 और अड्डे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर आपको रोडवेज, जंक्शन रोडवेज, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बेरोजगार है बेचारे जी। राहुल गांधी ने वादा करा कि बेरोजगारों को 1,00,000 रुपए मिलेंगे सालाना। हाँ, सुना है हमने। हाँ। महीने नहीं, 8,000-8,500 रुपए। मोदी जी ने कहा था कि टैक्स सारे माफ हो जाएंगे मेरी सरकार आने के बाद, कोई टैक्स माफ नहीं हुआ। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? आप लोग बताओ, क्या आप लोग क्या यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या? आप भी तो शहर के निवासी हो, जीना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बताइए आप लोग सुकून से नहीं जी पा? नहीं, कौन जी रहा है? नफरत, आप खुद बताइए। और किसी चीज की नहीं है, नफरत की राजनीति और कोई नहीं है। जैसे अभी उन्होंने ऑफिस में बैठे होते, अगर सुकून से जीते होते, जैसे अभी उन्होंने बयान दिया था अपनी संपत्ति मुसलमानों को बांटेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी संपत्ति से अडानी को बांटेंगे तभी इन्हें आपके नोट चाहिए, वोट चाहिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं, बस यही। तो यहाँ जो एक प्रथा चली आ रही है, नवासी से जो है संतोष गंगवार जीते आ रहे थे, अच्छे आदमी ही उनके साथ रहता है। अच्छा, कोई भी चले जाए उनके पास वो सबसे पहले काम कराते हैं। अब जो उन्होंने छतरपाल सिंह उनको दिया है, तो वो तो नए इंसान ना, उन्हें कोई जानता है। और प्रवीण सिंह एरन हमारे दिल में बसे हुए हैं, बहुत पुराने, सबसे बुरी विधायकी में हार हुई थी। टिकट कटने का प्रभाव पड़ रहा है जी जी, उसका भी बहुत है जी, टिकट कटने का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर संतोष जी खड़े होते तो हमारा सपोर्ट संतोष जी का ही होता बिल्कुल, लेकिन अब हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। यहाँ जो है जब से नवासी से ये सीट बीजेपी खाते में रही, 2009 में एक बार कांग्रेस के पास गई थी, कुछ काम धाम हुआ बरेली में? कांग्रेस जितना काम तो बहुत हुआ, उमेश गौतम सर ने हमारे बहुत काम कराया, इस बात की हम सब तारीफ ही करते हैं। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाया है, पर थोड़ा ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत चलता है, बस इसी वजह से थोड़ा दिल ये जो आज है दिलों में नफरतें इन्होंने पैदा कर दी हैं, हिंदू मुसलमान में और कोई बात नहीं है, लेकिन अगर निजी में आप जाके देखें फिर भी हम सब एक हैं। बट ये लोग पढ़े लिखे जो लोग नहीं है ना, सिर्फ वही हिंदू मुसलमान करते हैं और कोई इतना नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं था, जब से बिल्कुल नफरत थी नहीं, सब एक से रहते थे। जब से ये सरकार आई है तो आपस में बैर रखने लगे लोग बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस 70 साल रही कोई ऐसा नहीं था। जब से ही 10 साल से ये आई, जब से हिंदू मुस्लिम हमने सुनने लगा, हमने तो अपने बचपन से कभी सुना नहीं है, डबल हो गया इस चीज़ का, पहले तो कभी हमने नहीं सुना इस चीज़ का। अच्छा, योगी सरकार कानून व्यवस्था की धाक देती है कि कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ कर दिया है, क्या लगता है आपको जमीन पर कितना उतरा है? योगी सरकार जब से आई, जब से कोई माफिया कोई गुंडा कहीं नहीं है, कोई माफिया कोई गुंडा नहीं है, जब से योगी सरकार आई है सबसे बढ़िया सरकार योगी सरकार लगती है।
इन माफियाओं के मामले में, माफियाओं के मामले में सबसे बढ़िया सर, बढ़िया बस दिक्कत सिर्फ रोजगार है, सिर्फ रोजगार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से। अच्छा, हिंदू मुस्लिम और रोजगार बस, बाकी कोई दिक्कत, रोजगार और हिंदू मुस्लिम बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 7 मई को लाल का इनकलाब होगा, 24 में बदलाव होगा जी इंशाल्लाह। आप अखिलेश के साथ हैं, हम बीजेपी के इसमें नहीं आने वाले जुमलों में, हम क्या कोई भी नहीं, आप ही के साथ ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है सही काम कर रही है, काम सही कर रही है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे तो हटाए, 2 करोड़ रोजगार तो दे, अगर जी खड़े होते तो हम बीजेपी के साथ होते, माफियाओं को मिट्टी मिलाया, इसके अलावा कोई काम अच्छा नहीं करा ना, रोजगार सब खत्म कर दिया, दिल में हिंदू मुस्लिम की नफरत घोल दी है। यानी प्रमुख मुद्दे आपके तरफ से जो इन लोगों से बात करके निकले हैं कि रोजगार और ये हिंदू मुस्लिम, ये नफरत वाली राजनीति, नफरत वाली राजनीति है और नफरत के ऊपर वोट मांगते हैं ये, तो ये नफरत वाली राजनीति कौन नहीं करता है? आपने कभी समाजवादी की सरकार में नहीं देखा होगा कि मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है, ये सिर्फ 2014 के बाद से हुआ ये सब जो भी है कि हिंदू गलत है वहाँ मुसलमान गलत है। यही कहूँगा, अगर संतोष जी हमारे साथ होते, ये इज़ाद सांसद जी का शहर से होते तो हम सपोर्ट बीजेपी को ही करते, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें छत्रपाल सिंह गंगवार का कोई जानता ही नहीं है, संतोष गंगवार साहब को सभी जानते हैं, 75 विधायकी आ रहे हो, हाँ जमीन से मिले भी नेता, ये बस कैमरे के पीछे से बोल रहे हैं, नहीं नहीं उन्हें बोल दे दो, पीछे से बोलना, बस पीछे से बोलना है, पीछे से आग लगाना, आग लगाते हैं काम हो जाता है। देखिए क्या हो, ये क्या बड़ा टी शर्ट, क्या लिखा है ये, हाथ हटाओ जरा, मैं हूँ मोदी का परिवार, अरे नहीं पहन ली थी सर, ऐसे बस पहन लिए हो, फ्री में मिली है तो पहने में, मैं हूँ अच्छा, फ्री में मिली तो समर्थक किसके हो, सपोर्ट समाजवादी, समाजवादी, ये तुम झटका दे दिया टी शर्ट पहन के, अरे झटका नहीं साहब, 7 मई को पब्लिक झटका देगी अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे खास बात है कि ये चाय वाला भी है, टी शर्ट पहना है, मैं हूँ मोदी का परिवार, ऐसा कुछ नहीं है, अब पहन ली साहब, हाँ बस मिली थी तो पहन ली, दिल नहीं उनका भी वो हुआ, हमने दिल रख लिए, सबका दिल रख लिया मैंने, ये नहीं हुआ, उन्होंने हमें दी ला के बोले लो पहन लियो, तो लाओ हमने पहनने, बस पहन ली खाली, वोट जाके सपा पे दे दोगे जी, वोट अपना कांग्रेस को ही जावा, अच्छा जी, यानी शरीर पर मोदी, दिल में सपा, नहीं तो पहन ली साहब, काम के लिए पहन ली है, वो तो एक दिन सपा होने ही है, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, अंजय दिखेगा 70 यूपी के अंदर, जगह फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, अरे फूल के दिन अब जाते रहे, अब फूल नहीं बोलेगा जाते, अब जाते अंजय बोलेगा या साइकिल बोलेगी, बस साइकिल दौड़ेगी, बस और कुछ नहीं, साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल पंचर नहीं हुई है, साइकिल अपनी जगह बिल्कुल सही है, फिट है, अगर साइकिल सही बोलती है ना तब एकदम से कमल आके उसको साइकिल को पंचर कर जाता है, कई पंचर जो है वो कमल को फूल खिलने से बंद कर देता है, हाँ ज्यादातर यही होता है, साइकिल इस बार ट्यूबलेस है, पंचर ही नहीं होगा, ट्यूबलेस हो गई और कमल के ऊपर से निकल गई, बीजेपी वाले कहेंगे कि मेरा ही टेक्निक है ट्यूबलेस वाला, वो कितना बीजेपी वाले कहते थे, उनके वो हैं बड़े बोल कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेवादी है, 2014 के बाद तो जुमलेवादी करी है उन्होंने, कुछ कुछ नहीं किया, हाँ आप अपने दिल का बताएं, अरे हम क्या बताएं, जो आप लोग चाहोगे तो वही तो होगा, आपका दिल का क्या है, आप जो चाहो, हम तो चाहेंगे ना विकास हो, आप ही तो कह रहे हैं कि वोट देंगे, आप कितने वोट देंगे, आप कितने वोट देंगे, आप जहाँ चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी, हम भी तो आप ही के बीच, आप हमारे ऊपर मत रखिए, हमारे ऊपर नहीं, क्यों नहीं, हम भी तो आप ही के बीच से हैं, हम भी तो आप ही के, हम जिसे जाएंगे हमारा दिल है, हम जिसे जाएंगे, उधर तो देखो, अरे यार हम जिसे जाएंगे उसे मोल लगा के जबरदस्ती वोट नहीं है, तो जबरदस्ती वोट नहीं है, जबरदस्ती वोट नहीं है, दिल की बात जानना है ना, सुनो जो क्वार्टर देगा उसे वोट दियो, अरे हाँ क्वार्टर में बिकोगे, क्वार्टर में बिक जाएंगे, अपने आप को बिक, अपने आप को बिक, अपने आप को बिक, अबे हम जिसे चाहेंगे, हम जिसे सुविधा करेंगे, हाल मैं जानता हूँ ये सब बहुत परेशान है, साइकिल को वोट करेंगे, आप यहाँ आंसुओं में भागे, कहीं जाए पूरे बरेली में, मुंह पे तो कह देंगे आप तो झूठे मुंह की कपल को देंगे, लेकिन दिलों में साइकिल है भाई, अच्छा सबके, जैसे आपके दिल में है कि इस बार विकास होना चाहिए, धर्म की राजनीति खत्म, बस वही हाल सबका है यहाँ पर, एक बार हमें अच्छी सी राय तो बता ही दिया, बताओ
क्या बताऊँ पूछे क्या कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है, बिल्कुल एकदम माहौल है। चुप इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रोक ले सकता है। जनता चुप्पी साधी हुई है। कैमरे पीछे से बड़ा बोल रहे हो गुरु, सामने नहीं आ रहे हो। बोलना क्या भाई, क्या माहौल है, क्या इधर कैमरे के पीछे से बड़ा बता रहे थे सटीक आंकड़ा? बीजेपी के खिलाफ नहीं, गलत लोगों के खिलाफ। हाँ भाई, बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम, गलत लोगों के खिलाफ हैं। हम सिर्फ गलत लोगों के खिलाफ हैं, हमें चाहिए सुकून। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, बीजेपी से भाई हमारा कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। मुद्दा विकास करे। अच्छा, वो लुक में दे रहे हैं कि 15 लाख की ये की वो। एक जर्मन का बंदा आके पूरी पीएम से वो कर रहा है क्या, फाइट कर रहा है। इंडिया आके, इंडिया आया, चैलेंज ध्रुव राठी, उसने चैलेंज करा भाई कि, और बीजेपी के बड़े नेता ने सबने कहा कि हिंदुस्तान में आओ फिर देखेंगे तुम्हें। एक हफ्ता रहा दिल्ली, आके उसने इंडिया गेट पे अपने वीडियो डाले, एक हफ्ता दिल्ली रुका और फिर वो जर्मन चला गया। किसी ने कुछ करा नहीं करा। सत्यपाल मलिक, उनका इंटरव्यू सुना था आपने? बिल्कुल सुना है, आप बताएं। पुलवामा में अटैक हुआ था, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट कुछ नहीं है ना, कहाँ है वो सब चीज़ें? उसके बाद भी वोट दो, वोट तो तब देगा ना आदमी। रोजगार का है नहीं है, भेदभाव इतना बढ़ गया। मेरे दोस्त हिंदू भी थे, ज़्यादातर हिंदू थे, साथ में बैठते थे, आज नहीं मिलते। हर बार ईद पे विश आता था, ईद मुबारक हो, घर आते थे, मिलते थे बढ़िया से। सबके दिलों में होली पे जाते थे और हम आज भी जाते हैं। हम होली भी खेलते थे, हम होली भी खेलते थे उनके संग और वो हमारे संग। ईद पर कुर्ता पजामा पहन के आते थे। अब तासुब बढ़ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? ये तो अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ। ये सिर्फ ये हाँ, बीजेपी जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है। बीजेपी बताने तो देख के, क्योंकि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्योंकि मुद्दा बना दिया कि हिंदू मुस्लिम पे ही वोट मिलेगा, इसलिए फूट पड़ गई। हाँ, जिस दिन, हाँ, इस जब वर्ल्ड की रिचेस्ट पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है बीजेपी, उसके बावजूद ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भाई, अच्छा आप बताओ इसमें नुकसान किसका है? मेजोरिटी में कौन है? हिंदू है। मेजोरिटी में कौन है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू है, मुसलमान कम है। नुकसान किसका है? मुसलमान को पहले भी जॉब नहीं थी और आज भी नहीं है। आरक्षण किसको था? दलितों को, जितनी भी पिछड़ी जाति थी सबको उनका आरक्षण था। सब खत्म हो रहा है हल्के हल्के, सब चीज़ें प्राइवेट हो रही है, हर चीज़ अडानी की हो रही है। अब बताइए नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका है? हम लोग मेजोरिटी में नहीं है, हम लोग मेजोरिटी में नहीं है। आप लोग मेजोरिटी में हैं, आप लोग बहुत हैं। हिंदुस्तान है आपका, है ना, सबका है, यहाँ सब समाज के लोग रहते हैं। तो नुकसान आप देखिए है किसका? बीजेपी कहती है कि हम लोग जो योजनाएं लाएं, आप जैसे कह रहे हैं कि शिक्षा की बात, रोजगार की बात, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अल्पसंख्यकों का है, और जिस तरीके से, तो वो कहती है कि हम जो भी योजना लाते हैं समान रूप से सबको देते हैं, मुस्लिमों को भी लाभ पहुंचता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, 51 मुस्लिम छात्र सिलेक्ट हुए पिछली बार, 29-25। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पेपर लीक हुए, आप बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? यूपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था। बच्चे परेशान हैं, आप बताइए परेशान है? हर यूनिवर्सिटी परेशान है या नहीं है, बताइए। नहीं, बिल्कुल पेपर तो लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का हुआ, आरओ आरओ पे का हुआ, लेकिन यूपीएससी की जो बात बीजेपी कर रही है उस पे क्या? कल मैं बात तो सबकी है, आया वहां देखा मैंने, भर्ती हो रही थी। आज बताइए 10 साल हो गए सरकार को भर्ती हुई है, कितनी भर्ती हुई है? आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कितनी भर्ती हुई है। नहीं पता होगा आपको? मुझे सब पता है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये मुझसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों करूँगा? ये जो बात पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये बताइए भर्ती किसकी हुई, रोजगार किसको मिला? अब बताइए किसको मिला? पेपर ही लीक होते रहे हैं। पेपर तो लीक होते रहे, बच्चे को, बच्चा पढ़ लिया, सुसाइड कर ली। अब बताइए। अच्छा, वो जो 15 लाख रुपए का जो बात हुई थी, जो 15 लाख रुपए मोदी जी ने कहा था सबके खाते में आएंगे, वो कहाँ है 15 लाख रुपए? वही तो खाते में आए होंगे मोदी 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 जी ने अच्छा काम भी करे, ऐसा नहीं बुरा काम भी करा। अच्छा काम ये करा, प्रधानमंत्री योजना आवास में लोगों को घर दिए, छतें दी। अब लेकिन ये गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए उन्हें। देखो शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, वीवीआईपी खत्म कर दिए, सब नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है। जैसे वीआईपी था पहले, अब और सरकारों में जैसे होता था पता नहीं कैसा भी होता था, आंकड़े तो बहुत हैं। हाँ, और क्या प्रमुख रूप से आपके तरफ से मुद्दा यही है कि जो
हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और रोजगार का मुद्दा है, ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। अब आप बताइए जीडीपी -47 है हमारी इंडिया की, -47। अब अभी गूगल करें और देखें कैसे बीजेपी कर रही है कि हम सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बनेंगे। एक बात बताइए, चीन ने हमारी कितनी जमीन कब्जा ली लद्दाख, है कि ये बस कांग्रेस आरोप लगा रही है। लद्दाख में कितनी चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, वहाँ शहीदों की जो समाधि थी, उनका नाम कुछ था, क्या नाम था, आप बताइए, थ्री इडियट नहीं, अरे रुको दो, तो अरे सुनो दो मिनट, वो जो मुद्दा था जो शहीदों की वहाँ पे समाधि थी उस तक में चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। वहाँ पर 3 महीने प्रोटेस्ट चला, एक सिंगल आदमी कम से कम 20 दिन भूखा बैठा वहाँ पे, किसी मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया। मीडिया क्या है भाई, सिर्फ मज़े ले रही है। अच्छा, एंकर आते चीखते हैं, अरे ये अरे अभी एक अमित शाह का एक इंटरव्यू हुआ, वो देखा होगा, तो उसे कैसे चुप कराया, बिल्कुल खामोश हो गया था, कितना बड़ा एंकर था, कौन था वो जानते हैं आप? हमने देखा, आप बताइए, आप देखा करें, आप पत्रकार हैं, हर चीज़ की नॉलेज रखा करें भाई, बिल्कुल हमारे पास है नॉलेज, आप बताएं। तो आप बताइए क्या था, आप जब बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मीडिया पे, सारा आरोप मीडिया पे लगा दो, नहीं आप बोल रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं ना, तभी तो दिखा रहे हैं, आप नहीं बोलते तो हम कैसे दिखाते, जब आप बोलेंगे तभी तो दिखाएंगे, लेकिन घूम फिर कर आके आप जो है सारा आरोप मीडिया पे लगा देना है। देखिए हाँ। हिंदुस्तान के 4 पिलर हैं, बताइए कौन से हैं। नहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं, ईडी और आपका इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, चौथा मीडिया, ये 4 पिलर हैं हिंदुस्तान के, और चारों किसके हैं, बीजेपी के, बिकॉज वो वर्ल्ड की सबसे अमीर पार्टी है हिंदुस्तान, कांग्रेस की सत्ता तो थी, कांग्रेस के हो गए, नहीं नहीं है, मेरी बात सुने, तब ये सब चीज़ें आज के टाइम में ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें, चीज़ों को बदला जा रहा है, हमें रंग से भेदभाव नहीं है, भगवा है या वो है, सब रंग एक से हैं, है नहीं, ये सब चीज़ें बहुत जाहिल लोग करते हैं कि इससे परहेज करो, उससे परहेज करो, ये सब चीज़ें बेकार है नहीं है। आइए आप भी आइए, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए मुझसे, बिल्कुल, ये लोग कह रहे थे कि ये बेरोजगारों का अड्डा है, क्या कह रहे हैं आप, ये बेरोजगारों का अड्डा है भाई, जब सवाल पूछ रहे हैं, आजकल आपने सुना होगा बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस आ गई तो आपकी बहनों के मंगलसूत्र बिकवा देंगे, 2014 में सोना 28,000 था, आप 74,000 तो मंगलसूत्र कौन बिकवाएगा, आप ये बताएं। अभी बीजेपी कह रही है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, कमाई कहाँ बढ़ गई, कितनी जॉब लग गई है, बीजेपी कह रही है आप बताएंगे, बिल्कुल नहीं बड़ी कमाई, बिल्कुल नहीं बड़ी कमाई, वाह क्या बात कह दी, बिल्कुल नहीं बड़ी कमाई, अरे अम्मा भैया पेट्रोल कितने को हो गया, पेट्रोल कितने को हो गया, 94 पहुंच गया, पहले कितना था, 55 रुपए, गाड़ी है बाजी, मोटर इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पर यूनिट क्या रेट है आज, सिलेंडर क्या रेट है, सीमेंट सरिया क्या रेट है, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई तो बीजेपी झूठ बोल रही है, उसके जो कार्यकर्ता है वो अब्बा उड़ा रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं सब, सर झूठ बोल रही है, 94 हो गया भैया, पहले कमाई थी हाँ। पहले रोजगार था, मजदूर को मजदूरी मिलती थी, आज के टाइम में मजदूर बेचारा खाली है 250 रुपए में, जो बेचारा ग्रेजुएशन करा हुआ है उसकी नीट के एग्जाम में 250 रुपए में 3 घंटे के लिए बुला रहे हैं, ग्रेजुएशन 250 रुपए में 3 घंटे के लिए काम करने के लिए बना है, इसलिए पढ़ा है वो, जो मजदूर 500 रुपए कमा लेगा तो ग्रेजुएशन को 250 रुपए में नीट के एग्जाम में वो करवा रहे हैं 3 घंटे के लिए, एग्जामिनर बनवा रहे हैं, इतनी सरासर महंगाई कर दी है, रोजगार एक नहीं है, ये तो सब क्यों खड़े हैं यहाँ पे, सब पे काम होता है, सब अपने काम धंधों से फारिग होते हैं, अपने घर आराम करते, काम ही नहीं है, दिन भर घूमना ही है, कोई पैदल घूम रहा है, कोई बेचारा साइकिल से घूम रहा है, गाड़ी है, गाड़ी में डीजल डलाने के लिए पैसे ही नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे कितने हावी हैं? लेकिन भाई हम लोग साफ कार से घूम रहे, बताओ मुद्दे सब हावी हैं, लेकिन जनता को गुमराह करा जा रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, जाति बिरादरी के नाम पे राजनीति हो रही है, एंड टाइम पे क्या होगा, अरे हमारे धर्म का, हमारी जाति का, चलो वोट दे दे, मुद्दे पे राजनीति हो तो बीजेपी को हटना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आएगी, मुद्दे पे राजनीति हुई तो कांग्रेस की सरकार आएगी, और मुद्दे पे राजनीति नहीं हुई तो फिर धर्म के नाम पे राजनीति हुई तो बीजेपी आ जाएगी, मुद्दे को भटका दिया, मुद्दे को अंधभक्ति कराई दिया, सबके आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, गुमराह कर दिया गया है, सबसे बड़ी चीज मेजोरिटी आप लोगों की है भाई, नुकसान आपका है, हमारा नहीं है, हम लोग कम है, आप लोग ज्यादा है, नुकसान किसका है, आप लोगों का, हमारा नहीं है, आपकी मेजोरिटी है, तो देखिए ये लोगों की ये राय है, और जिस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं,
कि बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दा है, लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं और राजनीति इस देश में होती है तो फिर वही जातिगत की राजनीति, वही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। खैर 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे और देखना होगा कि देश की सत्ता पर, उस कुर्सी पर कौन काबिज होता है। खैर इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।